please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज शो पांच का प्रश्न। इस न्यूज शो में हम सिर्फ तस्वीर नहीं दिखाते, हम सिर्फ नेताओं की बयानबाजी नहीं सुनाते और न एक खबर को छू कर निकलते हैं, बल्कि शो में हम सवाल उठाते हैं और जवाबदेही तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खास न्यूज शो पांच का प्रश्न। सबसे पहले 5 बजे की 5 बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के सीधी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर चप्पल फेंकने और पथराव के आरोप में दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी के बीच राज्य के गृह मंत्री ने कांग्रेस पर ही हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। पीएम मोदी के अनुशासन वाले बयान पर विपक्ष ने हमला बोला तो बीजेपी ने पलट कर वार किया। रॉबर्ट वाड्रा पर दर्ज FIR पर सियासी बवाल तेज हो चुका है। तेल की कीमतों पर सियासी कोहरा मचा हुआ है। बिहार में लापरवाही के आरोप में डॉक्टर की पिटाई की गई है, तस्वीरें वायरल। मध्य प्रदेश के सीधी में सीएम शिवराज सिंह चौहान पर चप्पल फेंकने और उनकी जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के आरोप में दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी के बीच राज्य के सीएम और गृह मंत्री ने कांग्रेस पर ही हत्या की साजिश का आरोप मढ़ दिया है, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी पर पलटवार किया है। पथराव और चप्पल फेंकने के मामले में MP के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा है कि कांग्रेस के लोग शिवराज सिंह को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं, जिसे विफल कर दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ के संबंध कांग्रेस पार्टी से भी बताए जा रहे हैं। कांग्रेस मेरे खून की पार्टी अपने अपने कार्यक्रम करती थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ एक पार्टी की यात्रा पर और विशेषकर मुख्यमंत्री पर पथराव किया जाए। जाहिर है हमारे लोग बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पथराव अगर पब्लिक ने भी किया तो हम कभी इस तरह के पथराव को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम लिंचिंग पार्टी नहीं है, ना ही हम इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ लेना चाहिए कि विद्रोह आज पूरे मुल्क के अंदर उनके खिलाफ है और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, केवल आज चप्पल ही नहीं फेंकी गई सीधी में, बल्कि 31 अगस्त को अशोकनगर में, जहां कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोगों के विरोध का झेलना पड़ा था, तो वही दूसरी ओर मंदसौर और नीमच में भी बीजेपी के सांसद सुधीर गुप्ता के खिलाफ भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की थी। और ये दोनों ही जगहों पर सवर्णों का विरोध था कि आपने SC ST एक्ट को वापस उसी हालात में कैसे कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। उसकी मुखालफत करते हुए सिंधिया के खिलाफ और सुधीर गुप्ता के खिलाफ सवर्णों ने प्रोटेस्ट किया था। इसीलिए 5 का प्रश्न है कि क्या बीजेपी का यह आरोप सही है कि विरोध के बहाने सीएम की हत्या की साजिश रची गई है। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हैं। हितेश जी, बगैर सबूत के ये इल्जाम लगा देना कि कांग्रेस के लोग थे, ये कहां तक जायज है? सुमित जी, मुझे लगता है कि शायद आपको अपडेट करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी ने सुबह वक्तव्य दिया है और ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब 9 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 3 से 4 कांग्रेस के पदाधिकारी हैं जो कि वहां के ऑफिस बेरर हैं सीनियर, वो लोग इसमें शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया। और न केवल कारित किया बल्कि ये अंदर शहर में करना चाहते थे तो वहां पर नहीं कर पाए, तो ये फिर उन्होंने बाहर निकल के जहां पर थोड़ा सा अटेंडेंस लोगों की चिन्ह हो जाती है वहां पर उन्होंने बड़े सीनियोजित बड़ा इल्जाम लगा रहे वाजपेयी जी। आप मेरे साथ KK शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता। शर्मा जी, आपकी पार्टी के नेता इस साजिश में शामिल हैं, मुख्यमंत्री की हत्या करना चाहते हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई, जवाब दीजिए। देखिएगा, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, आजकल हत्या का कांग्रेस पर या अन्य राजनीतिक दलों पर आरोप लगाना उनका शगल बन चुका है।
जो प्रधानमंत्री जी देश में कहते थे कि मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा, अब वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं कि लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई क्या शर्मा जी? जो 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं कांग्रेस के ऑफिस बेयरर नहीं है क्या? सुनिए आप मेरी बात तो पूरी सुन लीजिएगा, वही लोग हम पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं जिन लोगों ने महात्मा गांधी से लेकर रेत माफियाओं के चक्कर में आई थी प्रसाद की हत्या की। के मिश्रा जी एक मिनट, हितेश एक मिनट, के मिश्रा जी आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? मैं स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री पर पथराव, मुख्यमंत्री पर चप्पल, बीजेपी का इल्जाम कि कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हैं और पुलिस के द्वारा कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाना, उन पर ये मुकदमा चलाना, क्या ये साबित नहीं कर रहा है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ हाथ है? देखिए पथराव और मुख्यमंत्री पर जूता जिसका आपने उल्लेख किया है वो सरकार के खिलाफ जनता के असंतोष का प्रतीक है। कांग्रेस असंतोष का मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता कानून हाथ में ले लेंगे? आप मुझे अपनी बात तो कह लीजिएगा, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात तो कह दूं आपसे। आप बात क्या कह रहे हैं? आप हिंसा पर आमादा हैं, आप शिवराज सिंह चौहान जी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, पदाधिकारी पकड़े गए हैं। शिवराज सिंह जी की शिवराज सिंह जी की हत्या वो ही लोग करवाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। शिवराज सिंह जी को हम लोग सम्मानित लोग क्या इसी प्रकार की राजनीति का इंतजार कर रहे थे? ये राजनीति सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी आप तो स्वयं बड़े वकील हैं, आप समझते हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, जुडिशियल कस्टडी में लोग हैं और आपके पदाधिकारी हैं मिश्रा जी। हितेश जी मेरी बात सुनिएगा, जो आप कह रहे हैं या जो गृह मंत्री जी ने कहा है वो कोई ब्रह्मा ने कहा हुआ शब्द नहीं है कि जो आप कह रहे हैं। हमारे यहाँ मिस कॉल नंबर जी, हमारे यहाँ मिस कॉल देंगे शिवराज जी की हत्या की प्लानिंग करेंगे। आप मुझे एंकर से पूछने दीजिए ना, आप ही पूछ रहे हैं मुझसे, या तो आप एंकरिंग कर लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं उसमें महात्मा गांधी जी की हत्या को ला रहे हैं, मतलब कैसी अली भाई दे रहे हैं? आप कांग्रेस का नाम कैसे ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री की हत्या करने की साजिश कर रहे हैं हम लोग? भाई तीन कैसे कह रहे हैं, बयान हो रहे हैं, किस खुद वकील समझ रहे हैं, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी की हत्या करना चाहते हैं? आप दोनों को रोकूंगा, हितेश जी मिश्रा जी एक साथ मत बोलिए, किसी की आवाज भी नहीं आ रही पहली बात। तो दूसरी बात ये मिश्रा जी, गंभीर इल्जाम है, जो 9 गिरफ्तारियां हुई हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप लाइव टीवी पर हैं, दुनिया आपको देख रही है इस टाइम पे, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, क्या वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया? मैं पूरी तरह भाजपा के इस आरोप को कंडेम करता हूँ, हमारी मिस्ड कॉल से मेंबरशिप नहीं होती है। कंडेम नहीं करने की बात नहीं, ऑफिस बेयरर है वो आपके, ये कहा जा रहा है हितेश वाजपेयी के द्वारा। भाजपा को साबित करे, कल से तो मुझ पर भी इल्जाम लगाए, मुझको भी सजा करवा दी है, तो क्या मैं आरोपी हो गया हूँ? मैं बरी होकर आया हूँ कोर्ट से। वकील जैसी दलील दे रहे हैं वो भी टीवी पर दे रहे हैं, जज के सामने। हितेश जी कौन से ऑफिस बेयरर नाम बता दीजिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं कांग्रेस के, कौन से ऑफिस बेयरर से बताइए उनके नाम। सुमित जी मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो ठीक नहीं है, आप आईजी को और वहाँ के एसपी को लाइन पे लीजिए, मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है और मैं नहीं चाहता इसका पॉलिटिसाइजेशन होना चाहिए। तो बीजेपी ने बहुत गंभीर है, बीजेपी के लोगों ने पहले राजनीतिक रंग दे दिया हितेश वाजपेयी, पुलिस कार्रवाई करती सुबह से ही बयान आने शुरू हो गए बीजेपी के लोगों के कि इसमें कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व है, और अंत में आपने अपनी पुलिस के जरिए इस तरह की बात को साबित करने की कोशिश भी की जो कि कांग्रेस का इल्जाम है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है क्या इस तरीके से देश की राजनीति आगे बढ़ेगी? दो विरोधी पार्टियां एक दूसरे को कानून के बल पर इस तरह का रांचन लगाएंगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात क्योंकि अनुशासनहीनता की हो रही है तो मैं अनुशासन की ही करता हूँ, इसका पाठ पीएम मोदी ने पढ़ाया है। पीएम मोदी के अनुशासन को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत शुरू हुई है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान के बाद उन्हें निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने उल्टे पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इतिहास गवाह है कि अब तक अनुशासन के नाम पर तानाशाही होती आई है, जबकि एनसीपी और बीएसपी ने भी पीएम मोदी से पूछा कि भीड़ की हिंसा की घटनाएं किस अनुशासन के दायरे में आती हैं। तानाशाह हुक्मरान अपनी जो फासिसी प्रवृत्ति है उसको अनुशासन के नाम पर क्रियान्वित करते हैं। जो लड़ने वाले संघर्ष करने वाले ईमानदार अंबेडकराइट्स हैं या वामपंथ के ईमानदार साथी उनको नक्सलाइट बोल दिया जा रहा है। मोदी जी
आप किस मुंह से कह रहे हैं? जब शासन ही नहीं तो आप कौन से अनुशासन की बात करते हैं? इस देश में जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, जो हर तरीके से गैर जिम्मेवार काम करते हैं, अगर आप उनको टिक ऑफ करें और उनको सही करने की बात करें तो आप ऑटोक्रेटिक हो जाते हो। अनुशासन का पालन करवाना क्या तानाशाही है? इसी अंदाज में कल प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की किताब का विमोचन कर रहे थे, वहां पर उन्होंने ये बात कही थी। सुनते हैं क्या कहा था पीएम मोदी। हमारा देश की स्थिति ऐसी है कि डिसिप्लिन को अनडेमोक्रेटिक कह देना आजकल सरल हो गया है। कोई थोड़ा सा भी डिसिप्लिन आग्रह करे, मर गया वो, ऑटोक्रेट है, पता नहीं, सारी डिक्शनरी खोल देते हैं। लेकिन वेंकैया जी जिस डिसिप्लिन के आग्रही, उस डिसिप्लिन को खुद भी पालन करते हैं। मेरे साथ सुदेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से मौजूद है बात करने के लिए, दोनों फोन लाइन पर है। सुदेश वर्मा, ये इल्जाम है कि अनुशासन अनुशासनहीनता अगर कोई करता है या निरंकुशता कोई करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से होती है, बीजेपी की तरफ से होती है, जवाब दीजिए। दिन भर विपक्ष के नेताओं ने हमला किया है मोदी जी पर। देखिए, मोदी जी सिस्टम को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता में रहने की इनकी आदत हो गई थी, क्योंकि अराजकता जब होगा तो आप करप्शन करेंगे, कोई आप पर कुछ बोलेगा नहीं। अब तो ऐसा मामला हो गया है कि अगर FIR भी लॉन्च होता है रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, ये पॉलिटिकल वेंडेटा बोल देते हैं। अगर लॉ अपना काम करे उसके बाद भी इनको प्रॉब्लम होता है। ऑफिशियल्स को आप बोलिए समय पर आ जाइए तो उसमें भी आप बोलेंगे कि ये डिक्टेटरशिप हो गया। अगर पार्लियामेंटेरियन को आप बोलिए कि नहीं आना चाहिए, पार्लियामेंट अटेंड करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें भी आप डिक्टेटोरियल बोलेंगे। ऐसा कोई भी ऐसा बता दें एक्ट जिसमें आपको लगा हो कि मोदी जी ने डिक्टेटोरियल रूप से काम किया हो। ये तो बहुत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन जब भी आप स्ट्रीमलाइन करेंगे, सिस्टम को सही तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे, डिसिप्लिन लाने का प्रयास करेंगे, तो आप देखेंगे। अखिलेश जी, ये लोग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश में डिसिप्लिन को लाया जा रहा है, जवाब दीजिए अखिलेश जी। माननीय मोदी तो खुद अराजकता के सबसे बड़े पैरोकार हैं। आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मैं अब इनको आप खामोश कहा था, मैं जब से वो PM बने हैं तो भैया ठीक है, यही अराजकता। सुन लीजिए, देख लीजिए, जो वो कह रहे हैं उनका जवाब यही देख लीजिए। तो आप खामोश, तरफ से आवाज दबाई जा रही है, किस तरह से आवाज दबाई जा रही है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसी को तो बढ़ावा दे रहे हैं मोदी जी, यही बढ़ावा है बीजेपी की हुकूमत। सुदेश जी सुन लेते हैं, इतने लोगों ने अब शब्द बोले, लिंचिंग की तमाम घटनाएं की इनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने, राज्य मंत्रियों ने, प्रदेश के मंत्रियों ने, किसी पे आज तक आदरणीय मोदी जी ने कोई कार्रवाई की या किसी अपने पदाधिकारी पे कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट तक इतना जबरदस्त कमेंट कर चुका है लिंचिंग तमाम मसलों पे, आदरणीय मोदी जी की सरकार पे कार्रवाई की। इन्होंने कहा था हम लोकपाल लाएंगे, लोकपाल नहीं लाए। इन्होंने कहा था कि हम एक साल के अंदर राजनीति में जो अपराध है, अपराधी है, उनका मुकदमे को एक साल में फाइनल करा देंगे। जवाब देते हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट। ये बताइए किस तरह की बात कर रहे हैं, इनको इनका मेंटल बैलेंस खराब हो गया है क्या? अगर इस केस में कोई एक्शन होता है तो उसे मोदी जी एक्शन लेंगे क्या? ये कौन सा नया नियम निकाल दे रहे हैं? यही लोग बोलेंगे अगर स्टेट में कुछ और मोदी जी एक्शन लेंगे तो ये बोलेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, देश जो सिस्टम से चलता है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम स्टेट का स्टेट इसको रिजोल्व करेगी। मोदी जी ने हमेशा क्रिटिसाइज किया ऐसे किसी भी एक्ट को। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार का सवाल है, वो करेंगे, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन सवाल ये कि जब कोई नेता बयान देता है, जब कोई मंत्री बयान देता है, जब कोई पदाधिकारी बयान देता है तो उस पर कार्रवाई करना क्या आला नेताओं का दायित्व नहीं है? क्या अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो क्या अनुशासनहीनता को वो बढ़ावा नहीं है? इसी मुद्दे पर 8 बजे में आज मेरे साथ बड़ा डिबेट देखिएगा, अनुशासन पर घमासान, हम तो पूछेंगे, मैं ठीक शाम को 7:57। 5 के प्रश्न में आपका एक बार फिर स्वागत है। बात करते हैं रॉबर्ट वाड्रा की। हरियाणा के गुरुग्राम के लैंड डील मामले में सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज होने के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी में सियासी जंग छिड़ी हुई है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई के साथ साथ 2019 के चुनाव से जोड़ दिया है। ना किसान का कुछ भला हो रहा है, करप्शन उनका बाहर आ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम, कमजोर रुपया, इनसे सिर्फ अटेंशन हटाने के लिए
एक FIR दर्ज किया गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, डीजल की कीमत बढ़ रही है, रेफल का मामला उठ गया है, तो ये तमाम चीज़ों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो भी विपक्षी दल है उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में भी होगी, हम ऐसा मानकर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का पूरा कुनबा जो है वो वाड्रा साहब के सपोर्ट में उतर आया है। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि जो करप्शन के कुएं से कांग्रेस के कंकाल निकल रहे हैं उस पर उसको क्या करना है और क्या कहना है। रॉबर्ट वाड्रा के जमीन का मामला आया था यूपीए के कार्यकाल में और तब वहां के IAS अधिकारी अशोक खेमका ने आरोप लगाए थे। अब इस पर जांच हो रही है और FIR हुई है, तो सवाल यही कि कांग्रेस का वाड्रा पर FIR को 2019 के चुनावों के साथ जोड़ना क्या सही है, सोचेगा जरूर। इसी सवाल के साथ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, लौट के आता हूं। अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के शेखपुरा में सड़क हादसे में घायल बुजुर्ग की मौत के बाद नाराज लोगों ने सरकारी अस्पताल में जंग का हंगामा किया और पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टर से मारपीट तक की। लोगों का आरोप है कि बुजुर्ग को एक बाइक सवार ने टक्कर मारी जिसके बाद घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों के न होने की वजह से उन्हें इलाज नहीं मिल सका और बुजुर्ग की मौत हो गई। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे जोश के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है। हर जगह पर इंतजार हो रहा है श्री कृष्ण के जन्म का। अब आप यूपी की तस्वीर देख रहे हैं, गोरखपुर की है, मथुरा की है, मुंबई है, मंडी है, हिमाचल में BHU में है, दही हांडी का आयोजन रांची में हुआ है, मधुबनी में हुआ है, मुरादाबाद यूपी में, हर जगह पर भगवान श्री कृष्ण को याद किया जा रहा है। उनके जन्मदिन को लेकर बड़ी लंबी लंबी झांकियाँ लगाई गई हैं, सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, पकवानों और प्रसाद का आयोजन किया गया है और रात को 12 बजे के उनके जन्म के साथ ये आयोजन आज सम्पन्न होगा। पर बात बारिश की। दिल्ली NCR में आज लगातार तीसरे दिन भी सुबह के वक्त जोरदार और झमाझम बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। आलम यह था कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, सड़कों पर जाम लग गया जिसकी वजह से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालत इसलिए ज्यादा चिंताजनक नहीं हुए कि आज जन्माष्टमी की छुट्टी थी, लेकिन अब ये तस्वीरें आप उत्तराखंड के मसूरी की देख पा रहे हैं। मसूरी में कैंपटी फॉल से अचानक तेज बहाव के साथ पानी बहने से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। कैंपटी फॉल से अचानक इतना पानी गिरते देखकर आसपास के लोग जान बचाने के दौरान के लिए वहां से भागे। इस दौरान कुछ लोग पानी में फंस भी गए जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद में सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल लिया। इसकी आवाज सुनेंगे पानी की तो आपकी रूह कांप जाती है, इतना तेज गति से कैंपटी फॉल का पानी ऊपर से नीचे गिरने लगा था। पांच के प्रश्न में मेरे साथ इतना ही, वक्त ब्रेक का, लेकिन खबरें जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत, 8 बजे फिर मुलाकात होगी। हम तो पूछेंगे।